घर में सभी सभी को अगर खुश करना है तो इस तरह का खिचड़ी और अंडा का कोरमा बना के एक बार खिलाइए, तारीफ का बारिश होने लगेगा। नमस्कार, मैं शिप्रा विश्वकर्मा, मेरी कुकिंग चैनल में आप लोग को सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चलते हैं एक कोरमा बनाने। मैं खिचड़ी का रेसिपी दूसरा समय डालूंगी, आज मैं सिर्फ एक कोरमा बनाऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट मसाला के साथ मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैं बना रही हूँ। मेरी कुकिंग चैनल में आप लोग सभी को बहुत ज़्यादा स्वागत है। देखिए, मैं अंडा ली हूँ और आलू को मैं एक साथ बॉयल कर रही हूँ। इधर अंडा और बॉयल एक साथ बॉयल हो गया है। अब मैं कढ़ाई गरम करके तेल में तेजपत्ता और सूखा लाल मिर्ची मैं डालकर इसमें अच्छी तरह से लाल करके फ्राई करके एक उसको निकाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं देखिए सारा तेजपत्ता अंदाज से तेजपत्ता और लाल मिर्ची को मैं लाल करके फ्राई करके निकाल दे रही हूँ। और मैं प्याज डाली हूँ, थोड़ा ज़्यादा करके ही मैं प्याज डाली हूँ। इसको प्याज को मैं अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई एकदम गोल्डन सा फ्राई कर ली। सारा प्याज मैं निकाल रही हूँ, सारा प्याज फ्राई हो गया है। अब मैं तेल में अंडा डाल दी। फ्रेंड्स, आप लोग के साथ मैं आज देखिए एक नया चीज़ शेयर कर रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा हल्दी डाल दी, थोड़ा सा कड़ा करके लाल करके मैं फ्राई करूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग के साथ मैं एक नया चीज़ देखिए दिखा रही हूँ। सिलबट्टा, मेरा छोटा सा सिलबट्टा है, मैं उसमें अदरक लाल मिर्ची और तेजपत्ता डालकर थोड़ा धनिया जीरा का पाउडर डाल दी और मैं इसे अच्छी तरह से मैं पीस लूँगी। मुझे सिलबट्टा पर मसाला पीसना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मैं सब समय सिलबट्टा पर मसाला नहीं पीस सकती हूँ क्योंकि मैं मिक्सी में पीस कर ही दिखाती हूँ आप लोग को। आज मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूँ, सिलबट्टा में मसाला पीस कर मैं दिखा रही हूँ। देखिए, सारा अंडा मैं एकदम लाल करके फ्राई कर ली। अब आलू डाल दे रही हूँ उसमें, आलू को भी मैं लाल करके फ्राई कर रही हूँ। आलू भी लाल हो गया है, देखिए मसाला पीस ली हूँ। इसमें हाफ प्याज मैं इसमें डालकर एक साथ पीस रही हूँ। ये भी एक सीक्रेट मसाला है। इस तरह से अगर मसाला के साथ प्याज फ्राई कर लें, आप लोग मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मिक्सी सिलबट्टा में आज दिखा रही हूँ। आप लोग मिक्सी में भी इस प्रोसेस में कर सकते हैं। मैं मसाला पीस ली। अब तेल में मैं थोड़ा जीरा और गोटा गरम मसाला में इलायची है, लौंग है, दालचीनी का फोरन डाल दी और टमाटर मैं डाल दे रही हूँ। इस तरह से अगर टमाटर फ्राई कर ले फ्रेंड्स, वो कलर इसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा आप लोग को। फिर काश्मीरी लाल मिर्चाई देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर टमाटर को इस तरह से तेल में फ्राई करके मसाला डालकर फ्राई करें तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। इसमें काश्मीरी लाल मिर्ची की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डाल दे रही हूँ और नमक डालूँगी। मैं स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। स्वाद अनुसार मैं नमक डाल दे रही हूँ। नमक अपना अपना स्वाद अनुसार डालना है। और देखिए, तेल में हरी मिर्ची और टमाटर और मसाला डालकर मैं मसाला को खूब अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें टमाटर भी एकदम पूरा अच्छी तरह से नरम हो जाता है। अब आलू भी मैं डाल दी इसमें। आलू तो मेरा बॉयल था ही, और आलू डाल के मैं मसाला के साथ एक साथ मिला कर देखिए फ्रेंड्स, मसाला चलाते चलाते कितना अच्छा कलर आ रहा है। मैं थोड़ा सा भी काश्मीरी लाल मिर्ची एकदम इस्तेमाल नहीं की हूँ। अंडा भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें। अब डाल के एक साथ मैं मसाला के साथ मिला दे रही हूँ।
फ्रेंड्स आप लोग इस तरह से एक बार अंडा का कोरमा इस तरह से एक बार बना के खाएंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बनाने में भी बहुत ईजी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और घर का सभी सदस्य बहुत ज़्यादा ही खुश होने वाले हैं। आप लोग खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, दाल रोटी दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराठा के भी साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए मैं थोड़ा हल्का नींबू का रस इसमें डाल दी ऊपर से, और ऊपर से मैं जो प्याज बचा कर रखी थी ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देता है। देखिए फ्रेंड्स मैं कश्मीरी लाल मिर्ची एकदम नहीं दी हूँ, लेकिन कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है। मेरी उम्मीद है आप लोग एक बार ज़रूर बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं खिचड़ी का रेसिपी दूसरा समय डालूँगी क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ। इस तरह से गरम गरम खिचड़ी और एक कोरमा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं? अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दे और मेरे चैनल को उत्साहित करने के लिए एक सब्सक्राइब कर दे। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।